आर्यावर्त बैंक ने अपना तीसरा स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक श्री एम कार्तिकेयन वर्चुअल माध्यम से स्टाफ के सदस्यों को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने आर्यावर्त बैंक की पत्रिका आर्यावर्त दर्पण का विमोचन किया। कि ये नहीं था कि यही थे सब, अब ये शुरुआत। और जैसा कि जितने साहब ने घोषणा की कि अभी हम बैठने वाले तुम शुरुआत में हम कॉन्क्लेव भी होगी, तो निश्चित रूप से जो इंप्रूवमेंट के लिए बताई जाएगी पर यहीं पर शुरुआत करते कि हम एक भी बैठ सभी लोगों से सब लोग मिल के प्रयास करेंगे कि ऑन द डे वन हम सारे लोग अपने इस कार्य में लग जाएं और जो हमें मैनेजमेंट ने बैंक में जो हमें एक दिशा दी है और जहां पे लाके खड़ा किया हम उससे और कोरोना की फैक्ट्री में चाहिए अल्लाह दिन में खराब हो सकते ये लग नहीं रहा था कि इसका क्या होगा। मैं बधाई दूंगा निर्देश महोदय को और हमारे सभी जिन्होंने जहां टेस्ट स्ट्रेटेजी बनाई जिसमें सारे परफॉर्मिंग प्रैक्टिस दैट कैन देयर कैन नॉट बी अ यूनिफॉर्म क्राइटेरियन। नॉर्मली व्हाट हैपेंस व्हेन आई आस्क माय प्लानिंग डिपार्टमेंट दे कम आउट विद अ ब्लैंकेट पॉलिसी कि दिस हैज टू बी 10% रिडक्शन 15% रिडक्शन दैट मिस ऑफ द पर्पस इफ we are at level playing field. Normally when I am seeing the regions, they have got different demographic compositions, different balance sheet compositions, different customer bases, different even agroclimatic areas also. You have some areas which are flood prone. Now you have also some areas which are water scarce. Some are having very fertile land also. So, regional-wise performance has to be analyzed and the sub-performance parameters have to be devised based on the average performance of the regions. This average performance of the regions must take into account the district average performance, whatever is available through our LDM offices. You cannot pat your own back by saying we have done well, whereas market is performing much above than what you have done. If you have pieced in the market, you must be competitive enough not only to retain your share but also to increase the share, because with each and every input in competitiveness there is always stress on performance.